हेलो माफी चाहेंगे भैया के सादर प्रणाम। अरे प्रणाम भैया, माफी चाहेंगे। बहुत आपका फोन आने के बाद एक बार मैं फोन किया, फिर परेशानी, FIR, केस, मुकदमा, बहुत सारी चीजें बोले कि मैं नहीं आपको याद। नहीं, गौतम भैया देखिए, गौतम भैया देखिए, आप सत्य हैं और सत्यता कितना ही बड़ी हो जाए तो उसको कोई झुका नहीं सकता है, जितेंद्र कहता है, ठीक है ना जी। सर तो वहाँ तक रहता तो ठीक है, एक गेम वहाँ तक रहता तो ठीक है। चलिए, अल्लाह के सोशल मीडिया पे, राष्ट्रीय चैनल पे आया, मैं भी आया, अपना पक्ष रखा जी। आज उसका साक्ष पूरा इंतजार किया, बिहार दिया नहीं, मैंने वैसा बोला। लेकिन अब एक FIR किया है जिसमें वो मेंशन किया है कि जान से मारने की धमकी, गुंडाई करना थोड़ा सोशल मीडिया पे आते हैं। कह दीजिए कि अब क्या हम कहें, मतलब कोई मीडिया पे, सोशल मीडिया पे है तो गुंडा बन के नहीं आया है। एक सुधार के लिए, एक लोगों के प्रति क्या होता है कि वो लोगों देते हैं कि हमें देख के लोग बदलेंगे, समझ रहे ना। अब ये थोड़ी है कि हम मीडिया में आ गए तो हम गुंडा थोड़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप एकलौते थोड़ी है, बहुत लोग हैं। किस पे करेंगे भाई FIR? कह दीजिए FIR करें। जितेंद्र जी कैसे हैं, बाबू कैसा है? ठीक है, बहुत अच्छे हैं सर। और बस यही है कि देखिए, आप पाछे मत, ठीक है। मैं एक्चुअली कि मैं सोचा कि आपसे मिलूंगा और आप उसी विषय पे चर्चा भी करना था कि भैया से मिलकर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आपने फोन किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं, थोड़ा सा मैं खुद आपसे माफी मांगता हूँ, थोड़ा डिले हो गया, क्योंकि लगातार लगा हूँ, हर दिन यहाँ का FIR वहाँ का FIR की जानकारियाँ मिल रहा है। थोड़ा अपने तरीके से लगे हुए हैं पक्ष में सुझाव रखने के लिए लोगों के पास। नहीं, देखिए गौतम भैया, आप कल भी सही थे, आज भी सही। अब देखिए, लोगों को कहना न कहना, देखिए अब जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ, आपने बेटी का नाम नहीं लिया, आपने हम तो आज भी कहते हैं कि मगैया जवान गलत तब है जब उसके बेटी का नाम उसके बीबी का नाम लेते। पर्सनली दुश्मनी हमसे जितेंद्र से मगैया जवान की है। मैं तो जितेंद्र जी का नाम तक नहीं लिया हूँ ना, वही चीज ना। मैं तो नाम भी किसी का नहीं लिया हूँ पूरे आधे घंटे की वीडियो में। हाँ, मैं देखा, सारा वीडियो मैं देखता हूँ, कोई वीडियो छोड़ता नहीं हूँ। लेकिन इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाना ये कहाँ का नियम है, किसी पे आप फर्जी कुछ भी कर दो ये तो गलत है ना। चलिए ठीक है, तो इस समय क्या चल रहा है, क्या है मतलब आपका और खेसारी का? दो जगह से FIR का आया है मेरे पास नोटिस। एक उपक्रम मैनेजर ही किया है हमारे ऊपर, चार पांच धाराएं लगा है और कहा है कि लगातार दो सालों से गालियां दे रहे हैं हमारे ऊपर, अचार को प्लस जान से मारने की धमकियां देते हैं। अच्छा, आप ही आप ये समझ लें कि हमारे ही फैन फॉलोइंग है और दूसरे का नहीं है, जब आता है कुछ भी कह लेते हैं। नहीं, खैर, आप लोगों के बड़े भाइयों का आशीर्वाद प्यार है यार, भगवान जानते हैं कि हम कितना सत्य के पीछे हैं। लाख बहुत सारे तूफान आंधी आएगा क्योंकि एक मार्ग पे हैं, लोगों का समर्थन प्यार है। नहीं तो समझा तो कि आप सही बात होती है जी। नहीं, बहुत अच्छा है। तो हम चाहेंगे कि एक बार हम फिर से आपका इंटरव्यू करना चाहेंगे, आप जहाँ बोलिए वहाँ मैं आऊँगा और आपके साथ वीडियो शूट करूँगा। अरे सर भाई मजाक देखिए, सच्चाई। अच्छा, कल जितेंद्र के साथ भी होगा? नहीं होगा तो बताइए, हमको भी तो इसी फील्ड में रहना है कि नहीं रहना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आप भी जानते हैं कि जितेंद्र सत्यता का साथ देता है, कोई बहुत बड़ा कहे ना वो मिनिस्टर का साथ नहीं देगा, लेकिन सत्य है तो सत्य है, ठीक है ना। अब मुझे जातीय दुश्मनी किसी से थोड़ी है, चाहे आपसे चाहे उनसे चाहे किसी से, लेकिन सत्य है तो सत्य है। मुझे खुद किसी के साथ नहीं, कभी जाति की बात मैंने किया ही नहीं वर्षों में। नहीं, जिस तरह से आपने किया बहुत अच्छा है। हाँ नहीं, चलिए एक दो दिन में निपट जाता है तो फिर मिलेंगे हम लोग। नहीं, बताइएगा, जहाँ बोलिएगा मैं वहाँ पे आऊँगा, लेकिन मिलना चाहूँगा जरूर, ठीक है सर? जरूर जरूर सर, जरूर। चलिए ठीक है सर, आपने समझ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर, ठीक, बड़ा